अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं सैयद अब्दुल मुसव्विर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किडनी स्टोन का इलाज कैसे किया जाता है वो बताऊंगा इंशाल्लाह, और ये जाम के ज़रिए किया जाता है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। मेरे दो मामू हैं, एक घटकेसर में और एक चंचलगुड़े में। जो ये दवा दे रहे हैं उनको मेरे वालिद और वालदा ने ये फार्मूला दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिना एक रुपया लिए फ़ी सबीलिल्लाह सबका इलाज कर रहे हैं। मगर ये फार्मूला आपके सामने लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताना भी ज़रूरी है। एक दिन मैंने अपने मामू का, जो घटके सर में दवा देते हैं, उनका वीडियो अपनी माँ को दिखाया, जहाँ लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने मम्मी को बोला, देखिए माशाल्लाह मम्मी कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं मामा। तो मम्मी ने देखा और मम्मी ने सवाल पूछा, कितने लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है? मतलब बहुत लोगों को। फिर पूछा, कितने लोगों को? मम्मी, बहुत लोगों को। तो बोले, बेटा बात नहीं समझे, ऐसे कितने लोग होंगे ये तो समझिए कि आप हैदराबाद और उसके आजू बाजू के हल्के में, या ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में लोगों को ये तकलीफ है किडनी स्टोन की, कहाँ तक ये पहुँच सकता है? मतलब ये बात तो आपकी सही है। तो मतलब मम्मी क्या चाहते हो? मैंने अपने वालिदिन से पूछा। बोले, बेटा हम ये चाहते हैं कि फार्मूले को आम कर दें और इससे हर कोई फ़ायदा उठा। मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है ये, तो क्या करते हैं? तो बोले, आप ये फार्मूला सबको बताइए, दवा कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दोस्तों ये फार्मूला रिवील कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उनकी एक लिमिटेड रेंज है, मतलब हैदराबाद तक सीमित है या ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया। मगर ये किडनी स्टोन की तकलीफ पूरी दुनिया में है, और जहाँ ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे इलाज होता है, जैसे कि पेरू है जिसे जाम कहते हैं, और एक चीज़ है जो इसमें डाली जाती है, अगर वो आपके पास है तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, पेरू या जाम जिसे कहते हैं, उसको आपको ऐसे कट करना है, दिख रहा है आपको, ये ऐसे हिस्सा निकाल के कट करना है। दोस्तों, ये कच्चा जाम है, मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। आप जाम पकावा होना चाहिए और साइज़ में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मगर कट ऐसे ही करना है आपको, ऐसे कट करना है, दिख लीजिए आपको, ये देखिए ऐसे कट कर लीजिए और ये ऐसा निकाल लीजिए। अब यहाँ क्या करना है, एक बहुत सिंपल चीज़ है, ये है देखिए खाने का सोडा, जो हर जगह इजीली अवेलेबल है। आपको ये लेना है एक चमचा, ज़्यादा नहीं, एक चमचा चाय का, एक चमचा, ये देखिए ये चाय का एक चमचा है ना, इस तरह आपको लेके इसमें डाल देना है, ऐसे ऐसे डाल दिया आपने। अब ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, वो जो ऊपर का हिस्सा था उसको ऐसे वापस पैक कर देना है। अब ये आपने पैक कर दिया, ये आपकी दवा हो गई मुकम्मल। इसके बाद में आपको रात भर खुले में रखना है, बेसिकली छत हो या टेरेस हो, जो भी अवेलेबल है, इसको रात भर खुले में रखना है। रात भर रखने के बाद में सुबह नहार पेट, मतलब बिना कुछ खाए, ब्रश करने के बाद में इसको आपको खाना है, और ये खाने के दो घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, दो घंटे बाद ही आपको खाना है। पहले इसको खा लीजिए, फिर दो घंटे बाद कुछ भी खाइए, ये होगा। और इसको तीन दिन तक खाना है। और दोस्तों समझिए, आपने दो दिन खाया, एक दिन आपका छूट गया, फिर आप सोचेंगे फिर मैं एक दिन खा लूँ, तो ऐसा नहीं, कंटिन्यू तीन दिन खाना। अगर आपका कोई एक दिन छूट गया, या आपने एक दिन खाया या दो दिन खाया, तीसरा दिन छूट गया, तो फिर आपको एक हफ्ता रुकना है, फिर तीन दिन कंटिन्यू करना है। और दोस्तों इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों का परहेज है, एक आपको टमाटर नहीं खाना है और पालक नहीं खाना है, और बहुत सिंपल मैंने आपके सामने बता दिया, दो चीज़ों का परहेज है। इस तरह इसमें एक चमचा खाने का सोडा डालना, इस तरह कट करके खाने का सोडा एक चमचा डाल दिया, टेरिस या बेसिकली खुले में रखना है, खुले में छत पे रख दिया, सुबह उठा नहार पेट बिना कुछ खाए इसको खा लिया, दो घंटे तक कुछ नहीं खाना है खाने के बाद में, और तीन दिन तक इसे खाना है। ये चीज़ करिए इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो आपको शिफा होंगी। और ये घरेलू चुटकुले हैं, अल्लाह की अगर मर्ज़ी रही, अल्लाह सुबहान तआला की, तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर आपको शिफा होंगी। अब तक जितने भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनको शिफा हुई है, अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि आगे भी लोगों को इससे शिफा होंगी इंशाल्लाह। और दोस्तों जिनका ये फार्मूला है, मेरे माँ बाप वालिदैन के हक़ में दुआ करिए। मेरे वालिद का नाम सैयद याकूब हसन मुजाहिद है, मेरी माँ का नाम सैयद आयशा है, उनका यह फार्मूला है, उनके हक़ में दुआ करिए कि अल्लाह उनको सेहत दे, हयात दे। बस इस फार्मूले के एवज़ में आपसे यही चाहते हैं कि मेरे माँ बाप के हक़ में दुआ, अल्लाह उनको सेहत और हयात दे और उनकी तमाम मुश्किल परेशानियों को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।